गुड मॉर्निंग। एसएससी सीपीयू 2019 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया पर सीपीयू 2019 टीयर वन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर तरह तरह के प्रिडिक्शंस किए गए हैं, जैसे कि इस बार कट ऑफ बहुत हाई रहेगी, कट ऑफ 135 140 के आसपास रहेगी वगैरह वगैरह। तो इनको देखकर आपके मन में एक स्वाभाविक सी चिंता और निराशा उत्पन्न हो रही होगी। मेरा इस कटाव पर कोई वीडियो बनाने का विचार नहीं था, लेकिन 20 जनवरी 2020 को समाचार पत्र में छपी एक खबर ने मुझे बहुत अधिक व्यथित किया और ये लगा कि कहीं ये आपके साथ भी तो ना हो। इसलिए मैंने आपके कमेंट्स से आपके टीयर वन के मार्क्स कलेक्ट किए और तब ये कट ऑफ का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो पहले मैं आपको वो न्यूज़ दिखाता हूँ, फिर कट ऑफ पर चर्चा करूँगा। देखिए, अगर आप फोर्स की सर्विस ज्वाइन करने जा रहे हैं तो ये आपको जानकारी होगी कि एसएससी जीडी 2018 में फर्स्ट फेज में फिजिकल हो जाने के बाद चूँकि कुछ वैकेंसीज बढ़ाई गई, तो उसके लिए 19,724 कैंडिडेट्स को दोबारा कॉल किया गया। मेरिट को घटाया करके 19,724 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया। और चूँकि ये कैंडिडेट्स फिजिकल में बिना किसी तैयारी के पहुँचे, तो देखिए क्या स्थिति बन रही है। सिपाही भर्ती 27 लड़कियाँ पास, ज़्यादातर दौड़ते दौड़ते मैदान में लुढ़की। पीएसी ग्राउंड में चल रही भर्ती दौड़ में बिना तैयारी पहुंच रही लड़कियां। अब ये आगे पढ़िए, देखिए। बरेली, सिपाही भर्ती में मेरिट गिराकर दौड़ के लिए बुलाई जा रही लड़कियां बिना तैयारी के दौड़ने से बेहोश हो रही हैं। रविवार को केवल 18% लड़कियाँ ही दौड़ पास कर सकें और पिछले दिनों, ध्यान दीजिएगा, पिछले दिनों दौड़ पूरी करने के बाद एक युवती की हार्ट अटैक से मौत भी हो चुकी है। पीएसी ग्राउंड में पुलिस और पीएसी में भर्ती सिपाही पद पर भर्ती के लिए दौड़ प्रक्रिया चल रही है। लड़कों की दौड़ पूरी हो चुकी है, पर लड़कियों की भर्ती का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है, लिहाजा मेरिट गिराकर लड़कियों की दौड़ कराई जा रही है। रविवार को दौड़ के लिए 167 लड़कियों को बुलाया गया, इनमें से 151 लड़कियां ही दौड़ में शामिल हुई, इनमें से भी 27 लड़कियां ही पास हो सकीं। ध्यान दीजिए जो है कि 167 को कॉल किया गया, 151 जो है अपीयर हुई और 151 में केवल 27 लड़कियां पास हो सकीं और कुछ लड़कियां मैदान पर बेहोश हो गईं। इनका मौके पर ही मौजूद डॉक्टरों ने इलाज किया। बताते हैं कि 3 महीने पहले रिजल्ट आया तो ये लड़कियां मेरिट में पिछड़ गई थीं, खुद को फेल मानकर इन्होंने दौड़ की प्रैक्टिस भी बंद कर दी थी। अब मेरिट गिरने पर इन्हें बुलाकर 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में कराई जा रही है। प्रैक्टिस ना हो पाने की वजह से ज़्यादातर लड़कियाँ फेल हो रही हैं। तो यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप सोशल मीडिया पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के प्रिडिक्शन के वीडियोस देखकर डेमोरलाइज होकर फिजिकल की तैयारी बंद कर दिए हों, तो इस न्यूज से अलर्ट हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप टीयर वन में क्वालिफाई करें और फिजिकल की तैयारी अधूरी रहने पर ऐसी ही स्थिति सामने आए। और स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। इसी पर्पस से आपको अलर्ट करने के लिए आपके ही कमेंट्स से आपके मार्क्स का डाटा कलेक्ट करके ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और आप देखें कि आप अपने ग्रुप्स में, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें, फिजिकल की तैयारी करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी कोई भी न्यूज़ जो मुझे जानकारी मेरी जानकारी में आए तो मैं आपको तत्काल वो अवेलेबल करा दूं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कट ऑफ क्या बनती है।
देखिए, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, 1 माह पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उस समय ना तो ऑफिशियल आंसर की आ पाई थी और ना ही आप लोगों के मार्क्स अवेलेबल हो पाए थे इस समय। इसलिए उस समय प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स को देखते हुए प्रेडिक्शन किया गया था, किंतु वर्तमान में समस्त स्थितियों का आकलन करने के बाद कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया जा रहा है। हाँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ सकते हैं, लेकिन वो सभी के साथ होगा। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ के निर्धारण में इन फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और वो हैं वैकेंसीज, कैंडिडेट अपीयर्ड, कंपटीशन रेशियो, एग्ज़ाम लेवल और एवरेज मार्क्स क्या रहे हैं। तो एक एक पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम वैकेंसीज़ की अगर बात करें, तो 2018 में जो है कुल 1688 वैकेंसीज थी, और 2019 में 2998 वैकेंसीज हैं। तो आप देखिए कि वैकेंसीज जो हैं ऑलमोस्ट 80% का इंक्रीज है 2018 और 2019 में। तो 2018 में कट ऑफ अगर 140 गई है अनरिजर्व की, तो वैकेंसीज भी तो कम थी। वैकेंसीज केवल 1688 थी, अब वैकेंसीज जो है 1998 हैं, 2998 लगभग 3000। तो सीधी सी बात है, कट ऑफ कम होगी। दूसरी बात देखिए कि कैंडिडेट्स कितने अपियर हुए, तो 6,73,591 फॉर्म फिलअप हुए थे, और उसमें से कुल जो है 2.35 लाख कैंडिडेट्स ही अपियर हुए हैं। 2,35,000 कैंडिडेट्स कुल अपियर हुए हैं, वैकेंसीज हैं 3000। तो ऑलमोस्ट 15 गुने को कैंडिडेट्स को जो है फिजिकल के लिए कॉल किया जाता है। चलिए हम मान लेते हैं कि 40 से 42 हज़ार कैंडिडेट को ही जो है कॉल किया जाता है, तो भी कैंडिडेट्स कुल 2,35,000 हैं, और 2,35,000 में 40 से 42 हज़ार कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। तो आप सोचिए कि कंपटीशन रेशियो कितना रह जाता है। कंपटीशन रेशियो ऑलमोस्ट 1:6 रह जाता है, यानी एक सीट के लिए 6 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। तो जब कैंडिडेट्स ही अवेलेबल नहीं हैं, तो फिर कट ऑफ तो सीधी सी बात है कि लो होगी। जहाँ तक एग्ज़ाम लेवल की बात कर लें, तो एग्ज़ाम लेवल जो है 2019 का 2018 से किसी भी माने में लो नहीं था। एग्ज़ाम लेवल जो है वो टफ था। अब जैसे मैथ्स की बात कर लें, तो मैथ्स जो है वो कैलकुलेटिव था, टाइम टेकिंग था। रीजनिंग भी जो है वो टाइम टेकिंग थी। इंग्लिश जो है इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं, और जीके को भी जो है इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं, लेकिन उसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो करंट से पूछे गए थे। तो इस तरह से ये मान लें कि जो एग्ज़ाम का लेवल था ये भी इजी नहीं माना जा सकता है, एग्ज़ाम लेवल भी टफ था। और जब एग्ज़ाम लेवल टफ था, तो सीधी सी बात है कि मार्क्स कम आएंगे, और जब मार्क्स कम आएंगे तो कट ऑफ भी कम आएगी। और जहाँ तक एवरेज मार्क्स की बात है, जो आपके कमेंट से आपके मार्क्स जो मुझे अवेलेबल हो पाए हैं, वो ऑलमोस्ट जो है 112 से जो है 118 के बीच में स्टैंड करते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है इसी के आसपास हैं, बहुत रेयर केस में जो है 118 से आगे बढ़े, 120-125 हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं वो 112 से 118 के बीच में ही हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कट ऑफ को डिसाइड करेंगे, तो उसी आधार पर हम कट ऑफ का प्रेडिक्शन करेंगे। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है सीपीओ के अलावा और भी बहुत सारे कंपटीशन में अपियर हो रहे होंगे, तो आपकी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए मैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक ई बुक तैयार कर रहा हूँ। वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं
अपने चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स को टोटली फ्री अपकास्ट प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए एक झलक उसकी भी देख लेते हैं और मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही मैं उस ईबुक को पब्लिश करूं वो आपको तुरंत अवेलेबल हो जाए। देखिए ये है वो ईबुक जिसकी चर्चा मैंने वीडियो के शुरू में की थी। सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पार्ट आपके सामने है जिसमें मैंने कुछ करंट टॉपिक्स में से ऐसे टॉपिक्स कवर किए हैं जिसमें से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसके 7 पार्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड अदर्स, कुल 8 पार्ट में तैयार कर रहा हूँ। GS पार्ट 1 आपको 15 जनवरी तक अवेलेबल हो जाएगा। देखिए इसमें जो टॉपिक्स करंट टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं वो हैं महत्वपूर्ण सूचकांक, संवैधानिक पदाधिकारी, नोबेल पुरस्कार, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, प्रमुख राष्ट्रीय संगठन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के प्रमुख लोक नृत्य, शहरों के बदले गए नाम, सैन्य अभ्यास, GI टैग, सम्मान व पुरस्कार, शिखर सम्मेलन, बंदरगाह और हवाई अड्डे, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, भारत की जनगणना, ब्रांड एम्बेसडर, 2019 मिशन चंद्रयान, सभी राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाएं, प्रमुख पुस्तकें, उनके लेखक, क्रिकेट विश्व कप, सभी अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारत में प्रथम प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष, नागरिकता संशोधन कानून और भारतीय नोट व चित्र। ये ऐसे टॉपिक्स हैं करंट के जिनमें से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट आपको 15 जनवरी तक अवेलेबल हो जाएगी। आपको करना क्या है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना टेलीग्राम कॉन्टेक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में देना है या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको ईबुक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए कट ऑफ की बात करते हैं। तो चलिए SSC CPO 2019 Tier 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। पहले अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 115 के आसपास रहेगी। 115 प्लस माइनस 3 ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेल कैंडिडेट्स की। और अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ जो है वो 110 के आसपास रहेगी। 110 प्लस माइनस 3 ये एक्सपेक्टेड है। EWS कैटेगरी की अगर हम बात करें तो EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 113 प्लस माइनस 3 एक्सपेक्टेड है मेल कैंडिडेट्स के लिए। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 108 प्लस माइनस 3 एक्सपेक्टेड है। आपके मार्क्स अगर इतने हैं और इसके आसपास भी हैं तो आप फिजिकल की में बिल्कुल ढील ना दें, फिजिकल की आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि अगर आपका रिजल्ट आ जाए Tier 1 में आप क्वालिफाई कर जाएं तो फिर आपको दिक्कत ना हो, जैसा मैंने अभी शुरू में आपको बताया था। OBC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो OBC कैटेगरी की जो मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ जो है 112 प्लस माइनस 3 एक्सपेक्टेड है, क्योंकि OBC कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट अनरिजर्व के आसपास ही रहती है। तो मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ जो है वो 112 प्लस माइनस 3 एक्सपेक्टेड है। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो 107 प्लस माइनस 3 एक्सपेक्टेड है। अब आइए SC कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो SC कैंडिडेट्स में मेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो 104 प्लस माइनस 3 ये
एक्सपेक्टेड है। और अगर हम एससी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो इनकी जो कट ऑफ है वो 98 के आसपास रहेगी, 98 ± 3 एक्सपेक्टेड है। अब आइए एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है, जहाँ तक मेरा आकलन है, ये 94 ± 3 एक्सपेक्टेड है। और अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें, ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ थी 94 ± 3, और अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें एसटी कैटेगरी में, तो ये जो है कट ऑफ ये 87 ± 3 अराउंड एक्सपेक्टेड है, इसी के आसपास रहेगी, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। अब आइए एक्स सर्विसमैन की बात कर लें तो एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो 80+ रहने की संभावना है, जहाँ तक मेरा आकलन है कि एक्स सर्विसमैन कट ऑफ जो है वो 80+ ही रहेगी। अंत में मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि आप कतई डिमोरलाइज ना हों और फिजिकल की तैयारी पूरे जोर शोर से करें। बेस्ट ऑफ लक टू यू। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।